शुरू हम लोग तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा हमारा टॉपिक। यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करेगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा हमारा टॉपिक। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दो चीजें तो क्लियर है, एक तो चार्ज पार्टिकल है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तीन चीज तो क्लियर है। इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो और उसकी बिहेवियर कैसी होगी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा अब देखो, हमने पढ़ा था कि कोई वायर जिसमें करंट फ्लो करता है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नहीं। कोई भी वायर, करंट कैरिंग वायर, अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करता है ना, ठीक है। तो देखो, मूविंग चार्ज और करंट एक जैसी चीज नहीं हुई है ना, मूविंग चार्ज और करंट तो एक जैसी चीज ही है, क्योंकि करंट बेसिकली क्या होता है, करंट बेसिकली मूविंग चार्ज होता है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये पिछले टॉपिक में देखा। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे तो, है ना, लग रहा है तो नेचुरल सी बात कि भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर वही चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो या चल रहा हो, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की और एक हो जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है ना, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही प्रोड्यूस करता है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हुई ना, एक हुई मूविंग चार्ज की और एक हुई बाहर वाली, तो दोनों एक दूसरे पर क्या डालेंगी, फोर्स लगाएंगी। फोर्स लगाएंगी तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के मोशन पे फर्क पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ बदल जाएगा। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, क्लियर है, ये हम पढ़ने वाले हैं, नेचुरल सी बात। लेकिन इसको हम थोड़ा सा, हम लोग फोर्स के टर्म्स में बात करेंगे, भाई फोर्स कितना लगा, फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो फोर्स प्रोड्यूस करेगा। एक चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये तो वैसे ही हो गया कि दो मैग्नेट्स हैं, ये तो वैसी बात होगी ना कि दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ होगा तो दूर भागेंगे, नॉर्थ साउथ होगा तो पास में आएंगे, ये तो हम जानते हैं। तो अब हम स्टडी जो करेंगे ना वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारा चार्ज है क्यू और वो चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो लगेगा वो किन किन बातों के प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डायरेक्ट लिखेंगे, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, जितनी बड़ी वेलोसिटी उतना बड़ा फोर्स, नो वेलोसिटी नो फोर्स, नो वेलोसिटी नो फोर्स। मतलब चार्ज पार्टिकल अगर रुका हुआ है ना, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना फोर्स, नो मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स, ठीक है। और साइन थीटा मतलब क्या हुआ, असल में इसको मुझे साइन थीटा नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे लिखना चाहिए था वी साइन थीटा, ऐसे लिखना चाहिए था। क्या मतलब हुआ इस चीज का वी साइन थीटा, देखो अगर ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है,
ये है मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा चार्ज पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा है v, ये एंगल हुआ थीटा, तो v साइन थीटा लेंगे, मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, एक होगा ये वाला v cos थीटा और दूसरा होगा v sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका कुछ हिस्सा, कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हमारे जो फोर्स के फॉर्मूले में v नहीं आएगा, v sin थीटा आएगा, v cos थीटा भी नहीं आएगा, समझ गए? तो फोर्स डिपेंड करेगा v sin थीटा के, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उसकी वजह से फोर्स लगेगा, कॉस की वजह से फोर्स नहीं लगेगा, समझ गए? तो अगर हमारे पास कोई चार्ज है वो v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाती है, तो जो फोर्स होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स जो होगा वो v साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होगा, और इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये होगा हमारे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, ठीक है? बासी भाई, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी के साथ, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, तो ये होगा हमारे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स। हमारा चार्ज पार्टिकल, यस राहुल, बोलो भाई राहुल क्या कह रहा है? इसमें जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन लेते हैं ना हम लोग, असल में के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड को जिस तरीके से डिफाइन किया है, मैं आगे कहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, जिस तरीके से डिफाइन किया है उसके हिसाब से के की वैल्यू 1 आती है, ठीक है? इसलिए के की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन दी है ना उसको ऐसे तोड़ा मरोड़ा है कि के की वैल्यू 1 हो जाए, ये हमारे हाथ में है, ठीक है? तो के की वैल्यू 1 होगी, सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, के की वैल्यू होगी 1, क्लियर है? बस भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ आगे, वो इस बात के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, खासकर डायरेक्शन की, फोर्स किस तरफ लगेगा, इसकी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये देखा कि हमारे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा, और मैं कह रहा था फोर्स कब नहीं लगेगा, फोर्स तब नहीं लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल पे चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रॉन हो, कोई चार्ज ही ना हो तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो रुका हुआ हो, यानी वेलोसिटी जीरो हो, तो भी फोर्स नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो होना ही नहीं है फोर्स, समझ गए? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है? इसको देखो, अगर हमने जो अभी भी फॉर्मूला निकाला ना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो डायरेक्शन हमें अपने आप मिल जाएगी। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, फोर्स एक वेक्टर है, चार्ज
वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, साइन थीटा। अब देखो वी बी साइन थीटा ये वैसा ही है जैसे ए बी साइन थीटा होता है, और ए बी साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा को हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, हमने पढ़ा है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वी क्रॉस बी, ऐसे लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन बड़े आराम से मालूम पड़ रही है, फोर्स की डायरेक्शन वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, फोर्स की डायरेक्शन वी और बी, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, समझ गए। जैसे देखो अभी जो हमने किया था ना उसमें हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा था ऐसे, सॉरी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी और हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा था ऐसे, ये एंगल था थीटा, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, वी क्रॉस बी, यानी हम लोग यूज करेंगे स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। मान लो तुम्हारे हाथ में एक स्क्रू है, पेच, पेच है, तो पेच को तुम अंदर यहां रखो और वी से बी की तरफ घुमाओ, पहले वाले वेक्टर से बाद वाले वेक्टर की तरफ घुमाओ, कौन से एंगल पे घुमाओ, तुम ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो, तो हम कौन से डायरेक्शन में घुमाएंगे, हम लोग उस डायरेक्शन में घुमाएंगे जो एंगल छोटा हो, तो ये एंगल छोटा है तो इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ नहीं घुमाएंगे। तो अगर हम ऐसे घुमाते हैं, हमारे हाथ में क्या है, पेच था ना, ऐसे स्क्रू था हमारे हाथ में, स्क्रू था, स्क्रू ऐसे, ऐसे स्क्रू था ऐसे, और अगर मैं वी से बी यानी कि ऐसे घुमाऊं ऐसे, ठीक है, तो जो मेरे हाथ में पेच है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर होगी, फोर्स अंदर लगेगा, यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते अंदर की तरफ चला जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स बाहर की तरफ लगता तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते तुम्हारी तरफ घूम जाता। इसका मतलब फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा, ये बात क्लियर है। इस तरीके से तुम देख सकते हो, इसको और इजी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो वेलोसिटी, जैसे हम लिखे हैं वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ऐसे लिखे ना एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वी आई, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स बड़े आराम से मालूम पड़ता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी के डायरेक्शन में, तो फोर्स जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, बात समझ में आई। तो फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, एक और तरीके से निकाल सकते हैं और उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड यूज करोगे और फर्स्ट तीन उंगलियां, पहली तीन उंगलियों को ऐसे करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देख रहे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। तो अगर थम फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए, सेकंड फिंगर करंट है या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स लगेगा तुम्हारी तरफ, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट, समझ गए, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट, एफ बी और आई, एफ बी आई, फादर मदर चाइल्ड, तुम्हारी टेंथ क्लास में तुमने पढ़ा होगा, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स मदर मैग्नेटिक फील्ड, करंट सी, चाइल्ड मीन्स करंट, और करंट मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, करंट मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज दिया हो तो,
अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन इस तरफ माना जाएगा। ऐसे करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा हो तो करंट लेंगे नीचे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो तो करंट लेंगे इस तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, तुम्हारी तरफ जा रहा हो, तो करंट लेंगे हम लोग इस तरफ। समझ गए? ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से भी मालूम पड़ सकता है। अब हम करेंगे इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब स्पेशल केस क्या होगा, एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू लेंगे और उसके लिए फोर्स निकालेंगे। तो स्पेशल केसेस, हमारा जो फॉर्मूला है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी बी साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला केस है अगर थीटा हो 0 डिग्री। थीटा किसके बीच में था? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एंगल 0 डिग्री हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है। चार्ज पार्टिकल भी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का हुआ या 180 डिग्री का कह लो। मतलब चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो एंगल 0 होगा या 180 होगा। तो साइन 0 या 180 डालोगे तो फोर्स आ जाएगा 0। मतलब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा या अपोजिट जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा। समझ गए? क्लियर है? अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है या अपोजिट जाता है तो फोर्स नहीं लगता। सेकंड केस है अगर थीटा हो 90 डिग्री, अगर थीटा हो 90 डिग्री तो फोर्स कैसा होगा? क्यू वी बी साइन 90, यानी कि मैक्सिमम फोर्स होगा। ये फोर्स होगा मैक्सिमम। इस सिचुएशन में हमारे चार्ज पार्टिकल पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ गए? यानी कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है x की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है y की तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगेगा और वो मैक्सिमम होगा। समझ रहे? x y z जैसे मैंने एमबीबी किया था कि अगर वेलोसिटी वेक्टर है i यानी x एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड है y के अलोंग, तो फोर्स होगा प्लस z एक्सिस के अलोंग और वो फोर्स मैक्सिमम होगा। समझ गए? क्लियर है? इसी का ये जो केस हमने अभी भी किया ना, थीटा 90 डिग्री वाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और इसी के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसी को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे चार्ज पार्टिकल पर, हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो फोर्स लगेगा और वो मैक्सिमम फोर्स होगा और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इसी को स्टडी करते हैं, एक बार देखते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने की जरूरत है। तो देखो, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्रॉस है, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, बोर्ड के अंदर है या बोर्ड से बाहर है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब यह है कि तुम एरो को देख रहे हो और पीछे से देख रहे हो, तो एरो अंदर जा रही है ना, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर। और हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है
इधर, और चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स किस तरफ लगेगा? लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। बी किस तरफ है? बी है बोर्ड के अंदर, बी है बोर्ड के अंदर, देखो बोर्ड के अंदर। और करंट, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? इधर, इधर है ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो थंब, थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, यानी हमारे चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। हमारे चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है और फोर्स ऊपर लगने लग गया। तो फोर्स ऊपर लगे मतलब क्या होगा? चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते इधर चलने लग जाएगा, है ना। तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल चलते चलते फोर्स इधर लगेगा तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। जब वो इधर चलना शुरू कर देगा, है ना, फोर्स की वजह से वो ऊपर चलना शुरू कर देगा। जब वो ऊपर चलना शुरू कर देगा तब फोर्स कैसे होगा? फिर से लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। आई किस तरफ है? आई ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बोर्ड के अंदर है। तो फोर्स कहाँ लगा? फोर्स लगा इस तरफ, इस तरफ लगा, यानी हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते इधर मुड़ जाएगा। समझ गए? पहले तो फोर्स ऊपर लगा तो ऊपर मुड़ गया, फोर्स इधर लगा तो हमारा चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ गया। और अब फोर्स किस तरफ लगेगा? फिर से लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के अंदर है, चार्ज पार्टिकल हमारा कहाँ जा रहा है? हमारा चार्ज पार्टिकल अब इस तरफ जा रहा है ना, तो हमारा चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है इस तरफ। तो फोर्स किस तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे चलते चलते ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सही तरीके से बनाऊं तो हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा और फिर बाद में ऐसे घूम जाएगा। तो हमारे चार्ज पार्टिकल का जो रास्ता होगा ना, सर्कुलर हो जाएगा, यानी हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। ऐसे उसका जो पाथ हो जाएगा ना, सर्कुलर हो जाएगा इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट केस कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो उसका रास्ता सर्कुलर बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, हमारे चार्ज पार्टिकल का रास्ता कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ओके, अब हम निकालेंगे उस सर्कल का रेडियस, कितने रेडियस के सर्कल पर चलना शुरू करेगा। अच्छा, डायरेक्शन की बात को एक बार फिर से समझते हैं अच्छे से, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, पाम रूल भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड पाम रूल, पाम ऐसे, ये पाम है, पाम हथेली, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या है? फोर्स, ये है फोर्स, क्योंकि तो फोर्स ऐसे लगाते हो ना, तो ये है फोर्स की डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फिंगर्स जा रही है, ये बहुत सारी फिंगर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फील्ड लाइंस बहुत सारी होती हैं, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ करंट, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से देखते हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ऐसे अंदर की तरफ है ना, राइट हैंड अंदर की तरफ, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इसलिए मैंने अपनी फिंगर्स को अंदर किया। और थंब, अंगूठा कहाँ जाना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा पार्टिकल था? पॉजिटिव चार्ज, तो किस तरफ जा रहा था? इस तरफ। सो इसलिए अपनी फिंगर्स को हम लोग ऐसे करेंगे, थंब को इधर कर देंगे, तो हथेली ऊपर की तरफ होगी ना। इसका जो फेस है कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। फिर से लगाओ, फील्ड ऐसे ही है और अब की बार ऊपर चलना शुरू कर दिया तो फोर्स अब ऐसे लगेगा, तो फोर्स ऐसे लगेगा। अब ऐसे चलना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी ऐसे चलना शुरू कर दिया तो फोर्स नीचे लगेगा, तो ये नीचे चलना शुरू कर देगा। और जब ये नीचे चलना शुरू कर दिया, ठीक है, अंगूठा नीचे कर दो, तो फोर्स अब इस तरफ होगा, तो ये ऐसे चलना शुरू कर देगा। और जब ऐसे चलना शुरू कर देगा
तो फिंगर्स ऐसे रहेंगी, तो फोर्स आप देखो ऊपर की तरफ आ गया, फोर्स हथेली का मूव ऊपर की तरफ है, सो इट विल मूव लाइक दिस। ऐसे में भी हम समझ सकते हैं कि हमारे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर होगा। बात समझ में आई? तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। मैं दो तरीके से बताया तुम्हें, क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा, उसमें पिक्चर तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगी। शायद हाथ का तुम्हें अगर बहुत आगे समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स में देख के तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और मेरा वीडियो दोबारा से देख लेना, उसमें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही बातें तुम अपने हाथ प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स लेके करोगे, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका रेडियस भी होगा कुछ ना कुछ, उसका टाइम पीरियड भी होगा, है ना? एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, एक रोटेशन कंप्लीट कितने टाइम में करता है, तो कुछ टाइम पीरियड भी होगा, रेडियस भी होगा, तो ये भी निकालेंगे। चलो, तो टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल when it is moving perpendicular to magnetic field। ठीक है, तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल गोल घूमना शुरू कर देगा, कुछ रेडियस होगा, है ना? हमारे चार्ज पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हमारे चार्ज पार्टिकल का कुछ कुछ मास भी है, चार्ज भी है। ठीक है, तो जब वो गोल घूमना शुरू करेगा, अगर तुम अपने आप को यहाँ पर घूमते हुए मानो, अज्यूम करो कि तुम यहाँ बैठे हो और गोल गोल घूम रहे हो, तो तुम्हें बाहरी तरफ फोर्स लगेगा ना, समझ गए? वो बाहर की तरफ फोर्स जो लगेगा उसको तुम्हें यूज करना है। वो फोर्स जो तुम्हें बाहर की तरफ धकेलेगा वो अंदर लगने वाला फोर्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। यानी कि ये वाला फोर्स क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² / r, और ये वाला फोर्स कहता हूं कौन सा फोर्स होगा? qvb साइन थीटा। साइन 90 तो हो चुका है ना, थीटा तो 90 पहले से हो चुका है, इसलिए qvb, क्योंकि ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगेगा ना, qvb अभी तो किया हमने, फोर्स qvb है, और ये वाला फोर्स जब वो गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना लगेगा उसके ऊपर, फील होगा उसको। तो अगर ये बड़ा होगा तो हमारा चार्ज पार्टिकल का रेडियस बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये बड़ा होगा तो छोटा होता जाएगा। लेकिन दोनों अगर इक्वल होंगे तो हमारा चार्ज पार्टिकल उसी रेडियस के सर्कल में घूमता रहेगा। तुम क्या लिखेंगे? mv² / r = qvb। v से v कट गया, हमें क्या चाहिए था? रेडियस निकाला ना, तो रेडियस हो जाएगा mv / qv। This is the relation for radius of our charge particle जो निकालना चाहते थे। Easy, clear है? समझ में आया सभी को? अच्छा, अब निकालेंगे time period। एक revolution, एक चक्कर वो कितनी देर में करता है? Time period। So time period क्या होगा? Distance traveled by velocity, है ना? टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और एक चक्कर के लिए हम निकालना चाहते हैं तो एक चक्कर के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेडियस इसका आर है, तो हम लिखेंगे 2πr, और वेलोसिटी वी है, लेकिन रेडियस हम निकाल चुके हैं, रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे 2π/v, रेडियस की जगह mv/qb, तो इससे मिला t = 2πm।
अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहां लिख लेता हूं टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, हमारे चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड। अब तुम देखो एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? मास पर करता है, भारी पार्टिकल होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज ज्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे करता है, अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो भी कम टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज नोटिस करी तुम लोगों ने, इसके अंदर स्पीड नहीं आ रही, इसमें स्पीड भी नहीं है और रेडियस भी नहीं है, मतलब छोटा चक्कर काटे तो भी इतना ही टाइम। कब? अगर मास वही है, चार्ज वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है तो छोटे चक्कर के लिए भी उतना ही टाइम, बड़े चक्कर के लिए भी उतना ही टाइम। हमारा टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझ गए? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, जो हमारे कॉमन सेंस से नहीं रिलेटेड। हमारे कॉमन सेंस में हम क्या सोचते हैं कि अगर रेडियस बड़ा होगा तो उसे शायद ज़्यादा टाइम लेगा, हम ये कॉमन सेंस लगाएंगे ना अपने आप से, और अगर वो छोटा रेडियस करेगा तो कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है ना तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है ना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी छोटा चक्कर काटे तो भी उतना ही टाइम, बड़ा चक्कर काटे तो भी उतना ही टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो छोटा चक्कर काटता है तो उसकी स्पीड कम है ना, जल्दी से पूरा कर लेगा, और अगर वो बड़ा सर्कल कंप्लीट करता है, बड़ा रेडियस बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम उतना ही लगेगा। ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, किसी और के लिए नहीं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की ही हमने बात करी है, किसी और चीज़ की बात नहीं करी, बात समझ आई? तो हमने निकाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये अगर तुम बीच में मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम वो वाले केसेस कर रहे हैं जिसमें हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, और जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, और अगर उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, हमने रेडियस का फॉर्मूला भी निकाल दिया, समझ में आई बात? तो हमारा चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक मूव करेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? ये समझने वाली बात है, क्या मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देती है या वेलोसिटी को नहीं बढ़ाती? देखते हैं। तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला ना वेलोसिटी वाला रेडियस वाला, हमने लिखा एम वी बाई क्यू बी, तो वेलोसिटी होगी क्यू बी आर बाई एम, ठीक है? बड़ा रेडियस बड़ी वेलोसिटी, छोटा रेडियस छोटी वेलोसिटी, अगर बी क्यू और एम को हम चेंज ना करें, ठीक है? और इसका यूज़ जो है ना हम लोग करेंगे, लेकिन याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे चार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं इंक्रीज डिक्रीज कर सकती, क्योंकि वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाती है, वेलोसिटी के अलोंग लगाती तो स्पीड बढ़ती, वेलोसिटी के अपोजिट लगाती तो स्पीड घटती, लेकिन ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो जो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर लगता है उस पर कोई असर नहीं डालता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। इस चीज़ को हम लोग कल समझेंगे जब हम एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा। तो कल तो क्लास हम ऑफ रखेंगे, मंडे को मिलेंगे, लेकिन कल क्लास ऑफ जरूर है लेकिन डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा, और उसी टाइम 1 से 2 के बीच में तुम अपने डाउट्स मुझे पूछ लेना, मैं ऑनलाइन रहूँगा और तुम लोगों को चैट करके जवाब दूँगा।
और वीडियो कॉल करके भी कर सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग मंडे को, तो सी यू बाय देन, बाय।